जिस तरह से आदित्य ठाकरे को धमकी का पत्र मिला है, हमें शंका है कि सरकार ना बनने के बाद जिन्होंने दाभोलकर जी की हत्या की, पांसारे जी की हत्या की, कहीं उन संगठनों से इस धमकियों के तार जुड़े हैं क्या? मुझे भी इस तरह की धमकियां आई है, जांच के लिए हमने पत्र लिखा है। हमें लगता है मामला गंभीर है, सत्ता गंवाने के बाद कुछ संगठन इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। मामला गंभीर है, गृह विभाग उसकी जांच करेगी और ढूंढ के निकालेंगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं और उन्हें पकड़ा जाएगा, दंडित किया जाएगा। जिस तरह से आदित्य ठाकरे को धमकी का पत्र मिला है, हमें शंका है कि सरकार ना बनने के बाद जिन्होंने दाभोलकर जी की हत्या की, पांसारे जी की हत्या की, कहीं उन संगठनों से इस धमकियों के तार जुड़े हैं क्या? मुझे भी इस तरह की धमकियां आई है, जांच के लिए हमने पत्र लिखा है। हमें लगता है मामला गंभीर है, सत्ता गंवाने के बाद कुछ संगठन इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। मामला गंभीर है, गृह विभाग उसकी जांच करेगी और ढूंढ के निकालेंगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं और उन्हें पकड़ा जाएगा, दंडित किया जाएगा।